दोस्तों नमस्कार, मैं राय सिंह आप सभी भाइयों का आरएस मशीनरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पैकिंग मशीन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं बनाता हूं, आज एक और वीडियो बना रहा हूं। आज मैं आया हूं कटियार में। तो ये भैया ये मशीन लेके आए थे, ये मशीन फुल न्यूमेटिक तो थी, फुल न्यूमेटिक में क्या था, सिर्फ वर्टिकल लगा हुआ था इसमें, बाकी और कोई सामान नहीं था। अब देख लीजिए, जो भी भाई मशीन को खरीदने जाते हैं उनको पता तो रहता है नहीं कि कौन कौन सी मशीन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब सस्ती के चक्कर में खरीद के ले आते हैं कि भाई चलो ये सस्ता दे रहा है कहीं पर, तो भाई यहाँ से मशीन लेके चलते हैं। लेकिन ये पता नहीं रहता है उन लोगों को कि भाई इस मशीन में क्या क्या पार्ट्स हैं क्या नहीं है। तो आप देखिए, पहले ये जो मशीन चल रही थी तो इसमें ये अनवाइंडिंग का पूरा सेट नहीं था, ये और ये पीछे वाइब्रेटर नहीं था, ये दिखाना इधर से, ये पूरा वाइब्रेटर का सेट नहीं था, और जो भी था मतलब कि ये पूरी तरीके से फुल न्यूमेटिक मशीन नहीं थी, इसमें पूरे पार्ट्स नहीं थे। तो इस वजह से ये मशीन बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। और फिर ये भैया हमारे पास आए, ये सामान लेके आए, और फिर मैं इसे असेंबल करके पूरी तरीके से अब ये बढ़िया मशीन हो चुकी है। अब मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये मशीन चलेगी। तो अब ये देखिए, ये जो लड़ी है देखो, अब ये हॉरिजॉन्टल सीलर वर्टिकल सीलर एकदम बढ़िया फिनिशिंग में कर रहा है सील, ये देखो, इसको कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट। इसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा पाउच लीकेजिंग की दिक्कत आ रही थी, तो इसमें ये मान लीजिए ये वर्टिकल जो सीलर है इसको भी हमने चेंज किया है, हॉरिजॉन्टल को भी चेंज किया है। तो सारी चीज़ क्या है, लोगों को पता नहीं रहता है कि मतलब मशीन में क्या है क्या नहीं है, कैसी है क्या चीज़ है। तो कभी भी कोई भी मशीन खरीदे तो मैं तो कहता हूँ भाई कि मशीन को जांच के चला के और वहीं से चला के देख के ट्रायल करके लेके आना चाहिए। तो ऐसा ही वीडियो मैं और बनाता रहूँगा, और देखते रहिए आरएस मशीनरी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।